अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको 4 से 5 साल के बच्चे का कुर्ता तैयार करने के लिए मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इससे आप घर पर बहुत अच्छा बॉय कुर्ता तैयार कर सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुकिंग, कटिंग और स्टिचिंग की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए उर्दू गर्ल्स सब्सक्राइब करें। इस कुर्ते से हम मेजरमेंट करेंगे। पहले कुर्ते की लंबाई लें। लंबाई तकरीबन 24 इंच है। कुर्ते का दामन यानी चौड़ाई 16.5 इंच है। अब कपड़े पर मेजर करेंगे। कपड़े पर लंबाई लें। कुर्ते की लंबाई 24 इंच है तो 26.5 पर निशान लगाएंगे। कुर्ते का दामन 16.5 इंच है तो कपड़े पर 17.5 इंच रखेंगे। सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि बॉयज़ कपड़ों में साइड चाक बारीक फोल्ड किए जाते हैं। अब चौड़ाई पर कपड़ा डबल कर लें। क्योंकि इस कपड़े की विड्थ ज़्यादा है इसलिए कपड़ा चौड़ाई में डबल करेंगे। अब लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दें। दोनों पीस अलग अलग कर दें और लंबाई में तय लगा लें। अरेब भी निकाल लें और प्रेस कर लें। अब कुर्ते का तीरा मेजर करें। तीरा 13 इंच है। कपड़े पर 14 इंच रखें। बॉयज़ का तीरा थोड़ा लूज रखा जाता है। अब कंधा मेजर करें। इस तरह से गुलाई में इंची स्टेप को रखते जाएं। कंधा 7.5 इंच है। तीरा 13 इंच है तो 14 इंच का हाफ 7 इंच पर निशान लगाएं। कंधे का 7 इंच पर निशान लगाएं। स्क्वायर बनाएं और गुलाई कर लें। तीरे पर 1/2 इंच तिरछा निशान लगाएं। चौक का निशान लगाएं और बिल्कुल हल्की सी कटिंग का निशान लगा लें। बॉयज़ कटिंग में फिटिंग का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब निशान के मुताबिक कटिंग कर लें। अब एक पीस को अलग कर लें और 1/2 इंच मज़ीद तिरछी कटिंग करें और हल्की सी कंधे से भी डीप कटिंग कर लें। ये हमारी फ्रंट साइड होगी। अब गले की चौड़ाई लें। चौड़ाई 2.5 इंच रखें। लंबाई भी 2.5 इंच रखें और स्क्वायर बना लें। गुलाई करें और गले की कटिंग कर लें। आप पट्टी की लंबाई नाप लें। तैयार पट्टी की लंबाई 7.5 इंच है। हम 6.5 इंच तक कट लगाएंगे। व्यूअर्स, ये कपड़े की सीधी साइड है। दरमियान से इस्त्री की जो तह लगाई है 2 पॉइंट छोड़कर पट्टी का कट लगा लें। अब कट की दोनों साइडों पर छोटे छोटे तिरछे कट लगाएं। एक इंच चौड़ी पट्टी बुकरम पर नाप करें और लंबाई में 7.5 इंच रखें। नीचे वाली पट्टी 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखें। लंबाई में 6.5 इंच रखें। अब चौड़ी पट्टी जो ऊपर वाली साइड पर आएगी से इस तरह लंबाई में थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर पेस्ट करें। अब इस कपड़े को इस्त्री से बुकरम पर फोल्ड करें।
अब इस सारे को एक बार फिर इस तरह फोल्ड करें। अब दो पॉइंट छोड़कर बाकी कपड़ा कटिंग कर लें। अब छोटी नीचे वाली पट्टी तैयार करेंगे। इस तरह दोनों साइडों पर बराबर कपड़ा रखकर बुकरम से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रखें, बाकी कटिंग कर दें। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। लंबाई लें, कंधे की चौड़ाई में बाजू का कपड़ा नाप से सिर्फ आधा इंच ज़्यादा रखेंगे। अब कटिंग कर लें। लंबाई में 2.5 इंच पर निशान लगाकर ऊपर की तरफ कम करते जाएं। जैसे नीचे से 2.5 इंच है, फिर 2 इंच, फिर 1.5 इंच और फिर 1 इंच ऊपर की तरफ जाते हुए कटिंग ख़त्म कर दें। अब जितनी स्लीव्स की लंबाई रखी है, बाकी ऊपर की तरफ फोल्ड करके निशान लगाएं। स्लीव्स की फिटिंग कटिंग कर लें। अब 1 इंच चौड़ी पट्टी बाजुओं के लिए काट लें और इस तरह से पेस्ट कर लें। व्यूअर्स, कुर्ते की कटिंग कंप्लीट है। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। पहले छोटी पट्टी तैयार करेंगे। बंद वाली साइड पर बुकरम पर थोड़ा सा तिरछा निशान लगाकर सिलाई लगाएं। अब इसे सीधा करके इसके किनारों पर सिलाई लगा लें। अब जहाँ तक कपड़े में बुकरम है, निशान लगाएं। ऊपर से 2 पॉइंट बैन की सिलाई के लिए छोड़कर छोटी पट्टी की सिलाई इस तरह से लगाएं। और डबल सिलाई कर लें। अब इसी तरह बड़ी पट्टी पर भी बंद वाली साइड पर इस तरह से निशान लगाएं और सिलाई करें। अब इसकी कटिंग करें। कोने वाली जगह पर हल्का सा कट लगाकर सीधा कर लें। ये पट्टी इस तरह से लगेगी, लेकिन पहले किनारे वाली सिलाई लगा लें। अब उल्टी वाली साइड से रखकर सिलाई लगाएं। जहाँ तक छोटी पट्टी है, वहाँ तक सिलाई लगाएं। और बाकी आगे से कपड़ा इस तरह काट दें। बाहर की तरफ पलटकर एक सिलाई लगा लें। पट्टी को इस तरह से ऊपर से भी बराबर कर लें। नीचे से कपड़ा फोल्ड कर लें और सिलाई लगाते जाएं। अब जहां तक कट था, वहां से निशान लगाकर सिलाई लगा लें। पट्टी बिल्कुल तैयार है।
अब कुर्ते का दूसरा हिस्सा साथ अटैच कर लें, तीरे की सिलाई लगा लें। अब एक पैर की सिलाई लगा लें। पिछला गला सिर्फ जितनी सिलाई लगी है उतना ही कटिंग करेंगे। अब स्लीव्स तैयार करें। फ्रंट से बुकरम वाली पट्टी की सिलाइयां लगाएं। अब बाजू का सेंटर से निशान लगाएं और तीरे की सिलाई पर रखकर पहले एक साइड से सिलाई लगाएं। फिर दूसरी साइड पर सिलाई लगा लें। बाहर भी एक पैर की सिलाई लगा लें। इसी तरह दूसरा बाजू साथ अटैच कर लें। अब फिटिंग की सिलाई लगाएं। फिटिंग में सिर्फ आधा इंच दें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। बाजुओं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें। आप दामन फोल्ड कर लें। साइड वाले चाक फोल्ड कर लें। अब बैन को इस जगह से मैयर करें। तकरीबन 13 इंच है, लेकिन हम बुकरम 12 इंच पर कटिंग करेंगे। बुकरम डबल करके निशान लगाएं और इस तरह से गुलाई कर लें। फ्रंट से थोड़ी सी तिरछी शेप दें या गुलाई कर लें। अब गले से नाप करके देख लें, अगर थोड़ा बहुत बड़ा हो तो थोड़ी सी कटिंग और कर दें। इस तरह कपड़ा डबल कर लें और बुकरम पेस्ट करें। 2 पॉइंट कपड़ा रख कर बाकी काट दें और कपड़ा ऊपर की तरफ बुकरम पर एक हिस्सा फोल्ड कर दें। और सिलाई लगा लें। अब बुकरम के साथ एक सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा कपड़ा काट दें और गुलाई में तिरछे कट लगा लें। अब इसे सीधा कर लें। बैन का सेंटर कट लगाएं, कुर्ते का भी गले का सेंटर कट लगाएं और कट के निशान मिलाकर सिलाई लगाएं। क्योंकि बैन गुलाई में है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पकड़कर गुलाई में सिलाई लगाते जाएं। यहां तक बिल्कुल बैन पूरा होना चाहिए। अब दूसरी साइड से बैन जोड़ लें। अंदर वाली सिलाई पर भी कट लगा लें।
और बाहर वाली साइड पर इस तरह से सिलाई लगा लें। बहन पट्टी कुर्ता तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।